तो दोस्तों देख सकते हो गोप्रो हमने सेटअप कर दिया और लुक देखो भाई क्या। एंड दोस्तों इसकी क्वालिटी भी ठीक है भाई, हेलमेट पूरा उठ रहा है ठीक है, 1 किलो का हेलमेट है। क्योंकि दोस्तों माइक की प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है, अगर मैं यहाँ पर करके बोलूँ तो थोड़ी सी अलग आवाज आएगी, यहाँ पर करके बोलूँ तो थोड़ी सी अलग आवाज आएगी, और यहाँ करके बोलूँ तो थोड़ी सी अलग आवाज आती है। तो भाई ये हो गया अपना गोप्रो सेट और देख सकते हो भाई लुक क्या खतरनाक लग रही है, बढ़िया सी। तो दोस्तों हमारा ये पूरा मोटो व्लॉग सेटअप अब बनकर बिल्कुल तैयार हो गया माइक। हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज के वीडियो में इस पे हम सेटअप करने वाले हैं मोटो व्लॉग, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे भाइयों की भाई इस पे मोटो व्लॉग करके दिखाओ, इस पे मोटो व्लॉग सेटअप करके दिखाओ, दिखाओ कि भाई विंड नॉइस कितना आता है, क्या क्वालिटी आती है, कैसा आता है। तो हर चीज के बारे में आज वीडियो होने वाली है और इसके ऊपर हम सेटअप करने वाले हैं अपना मोटो व्लॉग। तो सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या आपको जरूरत है और कैसे आपको माइक फिट करना चाहिए जिससे कि आपको ऑप्टिमम क्वालिटी जो है ऑडियो की वो मिल सके। क्योंकि दोस्तों माइक की प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है, अगर मैं यहाँ पर करके बोलू तो थोड़ी सी अलग आवाज आएगी, यहाँ पर करके बोलू तो थोड़ी सी अलग आवाज आएगी, और यहाँ करके बोलू तो थोड़ी सी अलग आवाज आती है। तो माइक प्लेसमेंट बहुत जरूरी था, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए हेलमेट, और हमने ले रखा है स्टील बर्ड का SBA 27 विंग्स, जो कि आज के टाइम पे बहुत चल रहा है और इसलिए आप लोगों की डिमांड भी आ रही है कि भाई इसके ऊपर सेटअप करके दिखाओ और चला के दिखाओ कि भाई कैसा नॉइस आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चाहिए एक हेलमेट, और उसके साथ साथ आपको चाहिए दोस्तों एक एक्शन कैमरा। आई रेकमेंड कि भाई गोप्रो लो आप, क्योंकि गोप्रो की जो क्वालिटी होती है ना बहुत बढ़िया होती है। जब हम स्टार्ट करे तो मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सारे अलग कैमरे भी लिए, थोड़े पैसे बचे, लेकिन मैंने थोड़ा वेट करा एंड उसके बाद मैंने गोप्रो लिया और उसकी क्वालिटी जो है ना काफ़ी अच्छी है दोस्तों। ये है GoPro 8 एंड पोस्ट प्रोडक्शन में एडिट करके ना भाई ये बहुत बहुत अच्छी जो है क्वालिटी निकालता है, आपको दिखेगा वीडियो में आगे। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको चाहिए एक जे माउंट और उसी के साथ साथ एक लेवियर माइक जिसे कहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो उसी के साथ साथ आपको ये चाहिए एक लेवियर माइक, ठीक है, और दोस्तों उसके साथ आपको चाहिए एक माउंट। माउंट आप ये स्ट्रैप वाला भी लगा सकते हो या फिर ब्लू आर्मर का जो माउंट आता है वो भी आप लगा सकते हो। मैं जो बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ वो ब्लू आर्मर का जो चिन माउंट आता है, बिल्कुल जो स्टिक हो जाता है 3mm की टेप के साथ, वो यूज़ करता हूँ और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, 2 साल से अभी तक तो कुछ नहीं उखड़ा है। बाकी इस हेलमेट के साथ मैं भी ये ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको ये एक स्ट्रैप चाहिए और उसी के साथ साथ आपको चाहिए दोस्तों एक डबल टेप, ठीक है। इन सबका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से बाय कर सकते हैं एंड आप स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखो मैं आपको ये दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो उसके साथ आपको स्ट्रैप देखने के लिए मिल जाती है, बहुत ही ईजी इसको माउंट करना है, आपको सिर्फ इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है, जिससे ये अच्छे से प्लेस हो जाए। और जो इसका है सॉफ्ट मटेरियल है, यहाँ पे सॉफ्ट रबराइज मटेरियल है जो कि बहुत सिंपल है, तो बस यहाँ से आपको लगना है और यहाँ से आपको बस स्ट्रैप जो है अच्छे से टाइट करनी है, ताकि जो है दोस्तों स्पीड में जो है वो हिले वगैरह नहीं। तो मैं स्ट्रैप जो है सेटअप कर देता हूँ अच्छे से। एंड दोस्तों इसको लगाना बहुत सिंपल है, बस आपको यहाँ से ये स्ट्रैप जो है ये निकालना है, ठीक है, इसको यहाँ से निकाल के आराम से इसको आप जितना आपको टाइट करना है अपने हिसाब से प्लेसमेंट करके बहुत ही आराम से आप टाइट जो है कर सकते हो, और जो इसकी लॉक है प्लास्टिक का उसको बस आप टाइट कर दो। तो ये दोस्तों अपना हो गया सेटअप, ठीक है, और ये काफ़ी सॉलिड भी लग रहा है। बाकी आप अपने हिसाब से अपने हेलमेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो इसे, तो बहुत अच्छे से ये फिट हो गया, ठीक है, और आई डोंट थिंक सो ये निकलने वाला है। तो दोस्तों ये हो गया अपना सेटअप, ठीक है, काफ़ी सॉलिड हो गया, अपने हिसाब से मैंने इसको टाइट कर दिया। अब हमारे को चाहिए एक ये जे माउंट। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जे माउंट जो है बहुत ही प्यार से इसको, इसका जो रबड़ होता है इसको हटा देना है, इसका लॉक जो अनलॉक कर देना और इसको बिल्कुल अच्छे से फिट करना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस पे आपका गोप्रो माउंट होने वाला है। एंड दोस्तों इसकी क्वालिटी भी ठीक है भाई, हेलमेट पूरा उठ रहा है, ठीक है, 1 किलो का हेलमेट है, सॉरी 1500 ग्राम का हेलमेट है आई थिंक, ठीक है, तो आराम से उठ रहा है, तो क्वालिटी भी ठीक है भाई, अपना गोप्रो का वजन सहलेगा। तो एक बार ये सेटअप होने के बाद अच्छे से आपको चेक करना है और बस फिर आपको कर देना है दोस्तों अपना गोप्रो माउंट, ठीक है। तो ये है हमारा GoPro 8, ठीक है, इसके नीचे जो है हुक आते हैं, एडजस्ट कर सकते हो, फोन से करना है तो फोन का माउंट लगा सकते हो, कोई ऐसी बड़ी जरूरत नहीं है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों इसको आपको टाइट कर देना है बड़े ही आराम से। तो दोस्तों देख सकते हो GoPro हमने सेटअप कर दिया और लुक देखो भाई क्या खतरनाक लग रही है, एक बार मिरर दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये हो गया अपना GoPro सेट और देख सकते हो भाई लुक क्या खतरनाक लग रही है, बढ़िया सी। अब दोस्तों जो मेन चीज़ आ जाती है ना वो आती है माइक की प्लेसमेंट। तो भाई माइक जो है ना, तो कुछ लोग पता क्या करते हैं, कुछ लोग माइक को यहाँ पर प्लेस करते हैं इस साइड या फिर इस साइड, ठीक है। मैं जो करता हूँ माइक को ना बिल्कुल फ्रंट में प्लेस करता हूँ अपने मुंह के पास, उससे क्या होता है दोस्तों यहाँ पर सबसे यहाँ पर जो फ्रंट में है यहाँ पर सबसे कम विंड नॉइज आता है, उसी के साथ साथ आपके सामने ही होता है तो पूरा माइक जो है ना ऑडियो अच्छे से कैप्चर करता है। तो यहाँ पर आपको फिट करना है, ये मेरे पास माइक है, मैं इसको पहले आराम से लगा देता हूँ। तो इसके हम एक्स्ट्रा वायर हम डाल देंगे पैडिंग के अंदर, ठीक है, आराम से। इस माइक के साथ मेरे पास क्लिप भी है, तो मैं इसको अंदर अभी फिलहाल इसकी स्ट्रैप के साथ ही माउंट कर देता हूँ। और भाई नीचे से लाकर हमारे को यहाँ पे अपना माइक जो है फिट
कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये पूरा मोटो व्लॉग सेटअप अब बनके बिल्कुल तैयार हो गया। मैंने इसकी स्ट्रैप के साथ इसको जोड़ दिया है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप डबल टेप यूज कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा सा कुछ सेटअप है, पहन के भी चेक करता हूँ दोस्तों कि भाई कंफर्टेबल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कंफर्टेबल तो है और थोड़ा सा भारी हो गया है हेलमेट, तो 1200 ग्राम का हेलमेट है, थोड़ा सा आगे से भारी हो गया है, ठीक है, हल्का सा। और भाई पहन लिया मैंने, बहुत ही कंफर्टेबल है, ठीक है। माइक की जो पोजिशनिंग है वो भी मेरे फ्रंट पे है, तो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों मेरे को आगे से दिख भी रहा है कि भाई क्या मुझे रिकॉर्ड करना है और क्या नहीं करना है, तो भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई, ठीक है। और अगर मैं आपको एक बार ऑडियो क्वालिटी सुनाऊँ दोस्तों, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ और सुना भी देता हूँ थोड़ी सी वॉइस, तो ऐसे से कुछ है, इंडोर है फिलहाल हम, तो लाइटिंग का थोड़ा हो सकता है। ये हमारे महादेव जी हैं, जय हर हर महादेव। तो दोस्तों ये था वीडियो, इसके पूरे सेटअप के बारे में हमने पूरा सेटअप करा, ठीक है। तो दोस्तों अब निकलते हैं बाहर, एंड बाहर इसको अच्छे से चला के विंड नॉइस वगैरह आपको टेस्टिंग वगैरह करा के दिखाते हैं वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इस सेटअप के बारे में आपको बताया है, उसमें हम चलाने वाले हैं बाइक और सुनाने वाले आपको साउंड, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।